तो हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र के बारे में, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और साउथ के सुपरस्टार नागार्जुना भी हैं। और गाइस, इस फिल्म को डायरेक्ट और ये फिल्म लिखी है अयान मुखर्जी ने। और गाइस, अगर इस फिल्म की बात करें ना, तो इसकी जो अनाउंसमेंट थी वो 2014 में ही हो गई थी, लेकिन और इसकी जो शूटिंग है वो 2018 में स्टार्ट हुई और 2022 मार्च तक चली, और अब ये फिल्म सितंबर 9 को रिलीज होने वाली है। और गाइस, अगर इस फिल्म के बजट की बात करें तो टोटल 410 करोड़ रुपए का इसका बजट रहा है, जिसमें मेनली जो पार्ट है वो VFX का रहा है। तो VFX पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है इस फिल्म में, और क्योंकि ये एक एडवेंचर फैंटेसी टाइप मूवी है तो देखना होगा कि बॉलीवुड में पहली बार इतना बजट के साथ मूवी बन रही है, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ नया होने वाला है VFX के मामले में। लेकिन स्टोरी के मामले में ये ऑडियंस को पसंद आती है या नहीं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा 410 करोड़ रुपए का बजट है, उसके सामने कितना बॉलीवुड कलेक्शन कर पाती है, क्योंकि दोस्तों आजकल मतलब बड़े बड़े सुपरस्टार की मूवीज भी कुछ पैसा नहीं कमा पा रही बॉक्स ऑफिस पर, तो ऐसे में ब्रह्मास्त्र का यहाँ पर क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहता है, आई थिंक ये टोटली डिपेंड करेगा कि ये मूवी कैसी है। अगर दोस्तों ये मूवी अच्छी होती है, स्टोरी अच्छी होती है, इसका कंटेंट अच्छा होता है, तो डेफिनेटली अगर ये बॉलीवुड बॉयकॉट का जो ट्रेंड है वो चल भी रहा है, फिर भी ये मूवी अच्छा खासा कलेक्शन कर लेगी।